रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी देहरादून में बादल फटने से कई इलाके तहस नहस हो गए हैं। आपको बता दें कि आज सुबह से ही चारों तरफ से तबाही की सूचना प्राप्त हो रही है। रायपुर में बादल फटने से चारों ओर नदियां उफान पर है। पानी इस कदर तबाही मचा रहा है मानो न जाने कौन सा कहर बरस रहा है। रायपुर स्पोर्ट कॉलेज जाते हुए थानो रोड पर भी 40 फीट पुल बह गया। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। यह रास्ता देहरादून के एयरपोर्ट को जाता है। आप सभी से गुजारिश है कि इस रास्ते का अपप्रयोग ना करें। कुछ वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि एक युवक बीच नदी में फंसा है। कुछ जानवर भी पानी में फंसे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल रात से 3 लोग इस नदी में फंसे हुए थे, जिनको SDRF की टीम ने सुरक्षित बचा लिया। तीन लोग थे, काई बाइक में थे, काई पैदल थे, एक्टिवा पे थे, एक्टिवा समेत बह गए। इतना ही नहीं, संतला देवी के समीप हल्दूवाला में भी मेन पुल, जो कि 17 गांव को जोड़ता है, वहां टूट गया। साथ ही सूचना आ रही है कि फोन के टावर तक नहीं लग रहे हैं, जिसके आसपास के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल के बच्चे इसी पुल से होकर जाते थे। यह घटना रात्रि की बताई जा रही है, इसलिए किसी की जान माल की हानि नहीं हुई है। आपको बता दें कि वह वही पुल है जो कि कुछ साल पहले बच्चों को बचाने के लिए एक महिला की जान भी चली गई थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल थानो पुल पर पहुंचे और सभी आई हुई आपदाओं का निरीक्षण किया। वह तस्वीरें आपको बयां कर रही है कि इस समय देहरादून की क्या स्थिति है, इसलिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें। नदियां हैं, नाले हैं, वो पूरे उफान पर हैं। काफ़ी अतिवृष्टि हुई है। अतिवृष्टि के कारण से काफ़ी नुकसान भी हुआ है, जहां पर काफ़ी घरों में मलबा घुस गया है, पानी घुस गया है, कुछ घर मतलब टूट भी गए हैं, और साथ में कई सारे पुलों को और संपर्क मार्गों को बहुत नुकसान हुआ है। उसमें कटाव भी हो गया है और संपर्क मार्ग भी टूट गए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है हमारा पूरा प्रशासन लग कर जो संपर्क मार्ग हैं, जो पुल हैं, उनके वैकल्पिक मार्ग बनाए जाएं और आवागमन जो है सामान्य किया जाए, और जो बचाव और राहत के कार्य हैं वो तेज़ी से किए जाएं। उसके लिए हम सभी से संपर्क कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर इत्यादि की व्यवस्था भी यहां पर कर रहे हैं। साथ में सेना के लोगों से भी हम मदद मांग रहे हैं कि रेस्क्यू के लिए जहाँ भी सेना की ज़रूरत है वो हम सेना भी हमारी मदद करे। तो सेना के लोगों ने भी कहा है कि अभी दिन तक जो है वो इस पर काम करेंगे, व्यवस्था करेंगे। थानो जो मार्ग है, इस मार्ग का पुल भी जो है एक कोना उसका बह गया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो बचाव के काम है वो सबसे जल्दी हों। लोगों को जो ज़रूरी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, उनकी ज़रूरत है, वो सब हम पूरी करें, और साथ ही साथ जो ये मार्ग बह गए हैं इनका वैकल्पिक व्यवस्था बनाएं, जिससे कि आवागमन सुचारू से हो। और हमारी सारी टीमें निकली हुई हैं, सारे SDRF के लोग रात से ही काम कर रहे हैं। हमारे सज्जन प्रतिनिधिगण भी हमारे यहाँ पर, उमेश शर्मा काऊ जी हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, गणेश जोशी जी भी लगे हुए हैं उधर, ब्रजभूषण गरोला जी, हमारे प्रीतम सिंह पवार जी, रेणु बिस्टी जी, जिन जिन क्षेत्रों में भी आया, सभी लोग अपने अपने स्तर से इस पर काम कर रहे हैं। और हमारा प्रशासन भी लगा हुआ है, शासन के लोग भी लगे हैं, हम लोग स्वयं कर रहे हैं, और सेना के साथ भी हम संपर्क में हैं। उनसे भी हमने जो है कहीं पर रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर की भी जो है बात करी है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो सब भी कर रहे हैं। और स्टेट का जो हेलीकॉप्टर है जो डिजास्टर में लगा होता है उसको यहाँ मंगा रहे हैं, उससे जो है रेस्क्यू करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। छोटी से बड़ी खबरों के लिए जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहोगे इजाजत, नमस्कार।